नमस्कार, पल पल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नैंसी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इन खबरों से। एक ऐसा विशेष पंखा जिसका वजन 80 किलो हो और उसके ब्लेड 12 फीट लंबे हो और 40 फीट के दायरे में हवा कवर कर सकता हो, क्या आपने ऐसा पंखा सुना है? जी हाँ, आइए आज हम बताते हैं आपको ऐसा पंखा जो ओडा के गुरुद्वारा में लगाया गया है। ग्रामीणों के सहयोग से ओडा गुरुद्वारा में 3.5 लाख रुपए का एक विशेष इलेक्ट्रिक पंखा लगाया गया है जिसका वजन करीब 80 किलो है। अमेरिका से मंगवाया गया इस पंखे की विशेषता यह है कि इसके जो ब्लेड लगे हैं उसकी लंबाई 12 फुट है और ये ब्लेड नासा द्वारा डिजाइन किए गए हैं। गुरुद्वारा के सेवादारों और कंपनी के मैकेनिक के अनुसार हरियाणा में इस तरह का यह पहला पंखा है जो इस गुरुद्वारा में लगाया गया है। इस पंखे की करीब 40 फुट के दायरे में ठंडी हवा का आनंद लिया जा सकता है। पंखे को देखने के लिए ग्रामीणों का तांता लगा हुआ है। देखिए सुरेंद्र भाटिया और अमर सिंह की यह रिपोर्ट। गुरुद्वारा के सेवादारों और ग्रामीणों ने बताया कि सभी ग्रामवासियों के सहयोग से राशि एकत्रित कर जहां गुरुद्वारा की मरम्मत कराई वहीं इस पंखे खरीदने का भी निर्णय लिया गया। इस पंखे के लग जाने के बाद गुरुद्वारा हाल में बैठी संगत को गर्मी से निजात मिलेगी और साथ ही बिजली खपत भी कमी आएगी। यह पंखा आग लगने व आपातकाल में ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और यह रिमोट द्वारा संचालित किया जाता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा सिंह सभा पिंड ओडा जिला सिरसा हरियाणा, जो असी इत्थे पंखा लगाया है, ये खासियत यह है भी ये पंखा अमेरिका तो मंगवाया गया है। यदि कीमत है जी 3.5 लाख रुपये है और ये खासियत है भी ये साइलेंट है, हवा बहुत है, साइलेंट पंखा है, आवाज़ थोड़ी जी भी नहीं है। 12 फुट दे 3 ब्लेड ने, 24 फुट एरिया कवर करता है, तो सारे हाल नू दरबार साहब नू ठंडा कर देता है और चर्चा का विशा बनया है। साढ़े नेड़े के जिन्हें भी लोग ने हरियाणा के दूर दूर तो इस पखे को देखने लिए आ रहे हैं, तो असी भी बहुत खुश हैं क्योंकि पैसे 3.5 लाख रुपया बहुत हो जाता है 3.5 लाख रुपया बहुत हो जाता है, पर जिहड़े हिसाब नाल असी लाए है पैसे हुण साडा सारा पिंड खुश है भी जिहड़े हिसाब नाल लाए सी बहुत हवा है, जिस वास्ते लाए सी असी पूरे सानू सही है, इहदी हवा बहुत है। हरियाणा दे विच सारे हरियाणा दे विच पहला पक्ष है, जो दरबार साहब लगे है अमेरिका तो मंगवाया, पहले ही हरियाणे विच लगे है, होर स्टेटां च लग्या होना है पर हरियाणे दे विच पहला पक्ष है। सर जी, हरियाणा में पहला फैन लगा है, यूएस का है, इसका डिज़ाइन नासा ने किया है और ये फैन इसका डायमीटर 24 फीट का है पर ये आपको हवा 45 फुट तक देगा गोल राउंड में। इसमें कुछ कॉइल टाइप सिस्टम कॉइल का बनाया गया है और इसका ब्लेड एल्यूमिनियम का है पूरा, जो अच्छा क्वालिटी का है और हवा आपको लगेगा, इतना हवा नहीं लगेगा कि आप उड़ जाएंगे, जो आपके उड़ जाएंगे आपको नॉर्मल हवा लगेगा, आपको कूल लगेगा, ऐसा नहीं कि इतना हेलीकॉप्टर का ऐसा हवा नहीं आएगा, ठंडा सा लाइट हवा आएगा, आप इसके नीचे बैठोगे तो आपको गर्म नहीं लगेगा। ये नासा ने डिज़ाइन किया है और माइक्रो एयर कंपनी है, तो HPS एयर सिस्टम ने इसको गुरुद्वारा के लिए दिया है। ये पूरा रिमोट कंट्रोल से टच स्क्रीन रिमोट है इसका। वाहेगुरु जी की फतेह। ये जोड़ा पक्खा लग्या है जी, ये सारे नगर के सहयोग न लग्या है, क्योंकि नगर के हर सेवादार ने अपनी वो तो वह सेवा की है। 12 AC लगे हैं, पक्खा लग्या है, पक्खा ये अमरीका तो मंगाया गया है, जिस दे विच बहुत वड्डी खासियत है कि थले जे कोई अग लग जाए जां किसी किस्म की यह जी घटना वापरती है तो पक्खा ऐटोमैटिक बंद हो जाता है और इसकी कोई आवाज़ नहीं है। पक्खे की हवा सारे दरबार साहब पूरी दिंदा है और सारे नगर नूं बहुत खुशी है। आले दुआले दे जिन्ने भी पिंड हन सारयां दे विच इह चर्चा दा केंद्र है। हरियाणे दे विच पहला पक्खा है, होर स्टेटां विच तां होवेगा पर हरियाणे विच इह पहला पक्खा है, आया है, USA अमरीका तों मंगाया गया है और सारे नगर दा असीं धन्नवाद करदे हां जिन्हां ने इस पक्खे वास्ते अपना बांदा योगदान दिता है।